हरियाणा में कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश फिर से दिया है। हुड्डा और सैलजा का राहुल गांधी ने हाथ मिलवाया। नारायणगढ़ के मंच पर हुड्डा सैलजा का हाथ मिलवाते हुए राहुल गांधी एक बार फिर से दिखाई दिए और एक साथ हाथ उठाकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें उसी वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं। राहुल के साथ में कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नारायणगढ़ का ये मंच जहां पर तीनों साथ दिखाई दे रहे हैं और हुड्डा और सैलजा का हाथ मिलवाते हुए राहुल गांधी को आप देख रहे हैं। ये सीधे सीधे एक मैसेज है एकजुटता का कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में एक साथ है और पूरे दमखम के साथ चुनावी मंच पर दिखाई दे रहे हैं तीनों। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है, ये आप लोगों की कहानियां गढ़ी हुई है। कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। भाजपा के दिन लद गए हैं, लोग इंतजार में हैं कि कब भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंके, वो दिन आ गया है और कांग्रेस की सरकार बने आपकी रहनुमाई में। राहुल ने कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलवाया, मंच से वो तस्वीरें आपने देखी। आइए सीधे जैनेन्द्र का रुख करते हैं। जैनेन्द्र, देखिए चुनाव में जीत के लिए राहुल गांधी प्रचार के साथ साथ अपने नेताओं में जो गुटबाजी है, जो कला है, उसको दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी वो तस्वीर एकजुटता वाली सामने आई। बिल्कुल, देखिए दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, लगभग वही अंदाज राहुल गांधी का है। इससे पहले भी राहुल गांधी की जब हरियाणा में रैली हुई थी, पहली रैली में हुड्डा और सैलजा ने राहुल के साथ मंच साझा किया था, लेकिन तब दोनों की बातचीत नहीं हुई थी। आज जब राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा 3 दिनों की शुरू हुई है अंबाला से, तो पहली जो सभा हुई नारायणगढ़ में, वहाँ पर राहुल गांधी ने हुड्डा और सैलजा का हाथ मिलवाया और अपनी तरफ से कोशिश की कि संदेश जाए हरियाणा कांग्रेस में और हरियाणा के वोटरों में कि कांग्रेस एकजुट है और हुड्डा और सैलजा जो दो बड़े चेहरे हैं वो एक साथ राहुल की अगुवाई में जो है वो लड़ रहे हैं। ये कोशिश है राहुल गांधी की, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं। इस बार उनकी यात्रा का नाम विजय संकल्प यात्रा जरूर है, पर बड़ी जानकारी सामने आ रही है जैनेन्द्र, उसका रुख करते हैं फिर आपके पास मैं लौटूंगी। देखिए हरियाणा में कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा जिसका आज जिक्र अभी जैनेन्द्र भी कर रहे थे, अंबाला में राहुल प्रियंका खुली जीप में घूमे और साथ ही राहुल ने रैली में अडानी के जरिए एक बार फिर से बीजेपी को घेरा। प्रियंका ने किसानों के मुद्दे को उठाया, किसान और खिलाड़ी के जरिए निशाना साधा बीजेपी पर। तो देखिए अब नया ये संकल्प यात्रा किस तरीके से अब आगे बढ़ रही है कांग्रेस पार्टी की, विजय संकल्प यात्रा इसको नाम दिया गया है। अडानी जी के बारे में सोचिए, वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है। यहाँ क्या किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। तो दोनों को आपने सुना, कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा आज से शुरू हो चुकी है। जैनेन्द्र मेरे साथ लगातार बने हुए। जैनेन्द्र, ये हर चुनाव में सदाबहार मुद्दे हो गए हैं राहुल गांधी के लिए, अडानी वाला और वही किसानों और खिलाड़ियों के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा प्रियंका गांधी वाड्रा ने। बिल्कुल, देखिए बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं राहुल गांधी द्वारा ये जो उठाए जा रहे हैं। अडानी का मसला तो पूरी सेंसेक्स से लेकर के शेयर बाजार से लेकर के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वगैरह आई थी, तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है जिसको राहुल गांधी बहुत पहले से उठाते रहे। और चूंकि हरियाणा का चुनाव है, यहाँ पर अग्निवीर का मसला है जवानों के मद्देनजर, इसके अलावा पहलवानों का जो आंदोलन हुआ तो पहलवानों का मसला है। इन तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने जो राज्य की बीजेपी सरकार है और केंद्र की बीजेपी सरकार है उन दोनों को घेरा और निशाने पर लिया और कांग्रेस की सरकार बनेगी ये राहुल गांधी ने संदेश दिया। और राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जो छोटी पार्टियां हैं वो बीजेपी की मदद करने के लिए मैदान में, एक तरीके से जेजेपी INLD आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा राहुल गांधी ने। और आखिरी के 4 दिन जो प्रचार के बचे हैं उसमें पार्टी के अभियान को मजबूती देने के लिए राहुल की यात्रा निकली। आज पहला दिन है, अंबाला यमुनानगर कुरुक्षेत्र में ये यात्रा चलेगी, दूसरे दिन बहादुरगढ़ सोनीपत और जींद में ये यात्रा चलेगी और इसके बाद आखिरी दिन जो प्रचार का होगा उसमें दक्षिण हरियाणा। वक्त बहुत कम है और बयानों में धार ऐसे ही अभी आने वाले वक्त में और दिखाई देगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।